नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और हम हैं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय आलोक पाठक, स्वागत और अभिनंदन। सवेरे ही सवेरे अब आपको एक बड़ी खबर आपके समक्ष हम रख देते हैं। उपचुनाव में अखिलेश यादव के बयान के बाद बुरी तरीके से भाजपा फंसती चली जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे योगेश वर्मा के मामले में अंततः फंस गई और फिर उस गरम दूध को उगलना पड़ा, यानी अपने ही अवधेश कुमार सिंह को निष्कासित करना पड़ा। अब आज उपचुनाव का ऐलान था। चुनाव को लेकर पूरे दो राज्यों में घमासान था, लेकिन चिंता सबको उत्तर प्रदेश की थी। उन 10 विधानसभा सीटों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उसमें एक ऐसी हॉट सीट आती है जिसने बीजेपी को नाक और चने चबा दिए, और उस सीट का नाम है अयोध्या। और उस सीट की उपचुनाव में शामिल विधानसभा सीट है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर को अगर हम कहें तो मिल्कीपुर में मिल्क की महक आ रही है, यानी दूध की महक आ रही है। दूध पिएगा कौन, दूध पिएगा कौन, पता नहीं क्या हुआ मिल्कीपुर के चुनाव से, चुनाव आयोग भी दूर चला गया। आखिर इतना डर क्यों, इस उपचुनाव से क्या चुनाव आयोग डर रहा है, इस चुनाव से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, इस चुनाव से क्या योगी आदित्यनाथ डर रहे हैं, या फिर इस चुनाव से बीजेपी के बैकएंड में रहने वाला आरएसएस डर रहा है। मैं बड़ी बात आपसे कह रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट बहुत विचार का है। डरा कौन, खुश कौन और हारा कौन। आप कहोगे उपचुनाव शुरू नहीं हुआ और आप हारा कौन, डरा कौन, भयभीत कौन, ये एंगल बता रहे हैं। हरियाणा का चुनाव होता है, जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है, यूपी के उपचुनाव का ऐलान नहीं होता है, और अकेले यूपी का नहीं, फिर मजबूरन सारे उपचुनाव रोकने पड़े। वायनाड का भी नहीं घोषित कर पाए, क्योंकि कांग्रेस शतक लगा लेगी जैसे ही 99 से 100 पे पहुंच जाएगी। खेल अपना अपना है। तीसरी बात यह है कि इसमें एक और बड़ी सीट फंसी पड़ी है जिसका नाम है केदारनाथ, उत्तराखंड की। बाबा भोलेनाथ वहां क्या करेंगे, भाजपा वहां भी पैसों पेश में फड़ी हुई फंसी हुई। अब मामला दो जगह न उलझ जाए, अयोध्या में श्री राम यानी मिल्कीपुर में श्री राम, केदारनाथ में बाबा भोलेनाथ, कैसे जवाब देंगे। मामला तो आलोक सर फंस गया है, बाबा भोलेनाथ की भक्ति करें, ये बाबा भोलेनाथ वही हैं जिन्हें हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी ने जनता के समक्ष अंदर तक के गर्भगृह तक के फोटो ला दिए, मेरे भोलेनाथ के। जिन फोटुओं को रोकते हैं जब वहां कैमरा बंद कर दिया गया। आलोक सर, लोग तो पूछेंगे आप कितने भी टालम टोल करो, मिल्कीपुर में क्यों चुनाव नहीं, और अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद तो फिर सरगर्मी मची हुई है। सबके चेहरे पर, सबकी जुबा पर, राजनीतिक दलों के नेता छोटे बड़े सबकी जुबा पर एक ही नाम, मिल्कीपुर मिल्कीपुर मिल्कीपुर। देखिए शिवकुमार जी, शाम को 7:14 अखिलेश यादव एक छोटी सी लाइन लिखते हैं। लाइन क्या है, स्क्रीन पे लग गया है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। और जैसे ये ट्वीट आया, उत्तर प्रदेश की में भूचाल आ गया। देखिए हर आदमी समझ रहा था कि मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं घोषित हुआ, पूछ रहा था हर आदमी। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता था कि 2022 में चुनाव हार चुके उनके विधायक
बाबा गोरखनाथ ने वहां पे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी थी कि अवधेश प्रसाद का चुनाव खारिज किया जाए, उनके एफिडेविट पर उन्होंने सवाल उठाया था। ये नहीं पता था कि अवधेश प्रसाद वहां से सांसद चुन लिए गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों नहीं भाजपा ने अपने पूर्व विधायक से वो रिट वापस करवाई? समझ लीजिए, भाजपा को पता ही नहीं है कि उसके पूर्व विधायक ने वहां मुकदमा कर रखा है। अब उसी मुकदमे का संज्ञान लेते हुए, वैसे संज्ञान लेने की जो चुनाव आयोग की माया है ये भी समझ के परे है। समझ के परे इसलिए है कि जिस चुनाव की एफिडेविट पे सवाल उठाया था बाबा गोरखनाथ ने, वो 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 सीट तो खाली हो गई, अवधेश प्रसाद तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि चुनाव मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन इसलिए भी हम चुनाव नहीं कर सकते हैं। भाई साहब इतना बस, ये मिल्कीपुर हर आदमी जान रहा था कि कहते हैं ना कि राजा की मतलब योगी को नींद नहीं आ रही जब से अयोध्या आ रहे हैं, और मोदी के तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की सारी खुशी अयोध्या ने छीन ली है। क्योंकि हर आदमी ही कहता है अरे छोड़ो यार, वो तो प्रभु श्री राम की बात करते थे कि हम प्रभु श्री राम को लेके आए हैं, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तो अयोध्या के असली बेटे अवधेश प्रसाद को मिल गया, और अवधेश प्रसाद वहां से सांसद बन जाते हैं। अवधेश प्रसाद के बारे में आपको एक बात बता दूं, श्री कुमार जी बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं ना हमारे, अवधेश प्रसाद जी जो 9 बार विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान में अयोध्या नरेश लोग कहते हैं उनको, क्योंकि प्रभु की श्री राम की नगरी के वो सांसद है। बड़ा बुरा लगता है भाजपाइयों को, क्योंकि वो उनको लगता है अवधेश प्रसाद दलित पासी समाज से आते हैं, उनको लोग नरेश कैसे कह रहे हैं। मेंटेलिटी समझिए इनको, जो लोग अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश कहने पे जिनको एतराज होता है उनकी छोटी सोच के बारे में सोचिए। अब मैं बताना चाह रहा हूं अवधेश प्रसाद के बारे में, रोज सरजू नदी में स्नान करते हैं और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए बिना वो अन्न भी ग्रहण नहीं करते रोज सवेरे। तो जो हनुमान का इतना बड़ा भक्त हो, जो 9 बार का विधायक रहा हो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में, उसको प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया, वो सांसद बन गया। पूरे विपक्ष की सबसे बड़ी जीत है अयोध्या में। हर मंच से राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे अवधेश प्रसाद जी ने अयोध्या में चुनाव जीत लिया। आपको पता है ना 22 जनवरी को क्या हुआ था, राहुल गांधी जब रामलाल बीच में बिठा लेते हैं और भाजपा अब उसी में रहते हैं सदन में। अब सुनिए, अब चूंकि विधायक थे मिल्कीपुर से, तो उन्होंने वो सीट खाली कर दी अयोध्या जिले की, वहां उपचुनाव होना था, पर योगी जी के जिम्मे 2 सीट दी गई है। एक तो मिल्कीपुर दी गई, दूसरी अंबेडकर नगर की कटहरी सीट दी गई है। 2 सीटों के प्रभारी हैं योगी जी, जिस और अयोध्या हड़पते जा रहे हैं। मिल्कीपुर में 1,000 करोड़ के योजनाओं की घोषणा तक हो गई है। उसके बाद भी चुनाव की जब तारीख आती है तो पता चलता बाकी 9 जगह तो उपचुनाव होंगे, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा। अखिलेश यादव देखिए बोलते कम हैं, लेकिन मुस्कुरा के जो बात कहते हैं, कहते हैं जो आदमी मुस्कुरा के कम शब्दों में अपनी बात धीरे से कहता है वो आवाज बहुत तेज गूंजती है, बहुत दूर तक जाती है। फिर से पढ़ रहा हूं, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। आज एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई है समाजवादी पार्टी को, योगी के लिए उपचुनाव करो मरो है, योगी का पूरा राजनीतिक भविष्य इस उपचुनाव पे दांव पे लगा हुआ है। ये आखिरी मौका है, या हो भी ये भी हो सकता है कि उपचुनाव के पहले ही योगी में निजाम योगी यूपी में
निजाम ही बदल दिया जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां सपा ने 10 में से 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए और बाकी चारों जगह पर उसके संभावित प्रत्याशी पिछले 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं, इन चुनाव में 2022 और 2024 के बीच में क्या बदला? 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में बहुमत लाती है, लेकिन 2024 में वही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 66 से 33 पे आ जाती है। उसका बड़ा कारण क्या था कि अखिलेश यादव ने साल भर पहले एक पीडीए बनाया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अगड़ों में पिछड़ा और आधी आबादी, उस पर वो लगातार काम कर रहे थे, उस पर उनको सफलता मिली। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीतने में कामयाब हो गया और भाजपा गठबंधन 36 पे सिमट गया। 4 जून के बाद भी प्रदेश में हालात नहीं बदले। 69,000 शिक्षक भर्ती वाला जो मामला था उसमें हाई कोर्ट की डबल बेंच ने साफ कह दिया कि इसमें दोबारा इसमें मेरिट लिस्ट बनाई जाए, इसमें आरक्षण के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। सरकार ने, हाई कोर्ट ने 90 दिन का टाइम बोला था, 90 दिन में आप लिस्ट निकाल दीजिए। सरकार चाहती तो 2-4 दिन में निकल सकती थी, लेकिन सरकार ने जान ने में बैठे कुछ लोगों ने सरकार की फजीहत कराने के लिए वो लिस्ट नहीं निकाली और तब तक सामान्य वर्ग के कुछ छात्र सुप्रीम कोर्ट चले गए और 4 साल से जो ओबीसी और दलित वर्ग के छात्र लगातार सही आरक्षण नहीं लागू होने के लिए जो लगातार चिल्ला रहे थे, जिस मुकदमे को उन्होंने हाई कोर्ट की डबल बेंच से जीता, अभी उनको न्याय नहीं मिलता है। तो प्रदेश में एक माहौल हो गया। दूसरा, सिपाही भर्ती परीक्षा जो पिछली बार लीक हो गई थी उसका एग्जाम तो हो गया लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो नौकरियां देने के मामले में ये सरकार असफल साबित हुई और अब जो नई नौकरी निकाल रही है सब ज्यादातर संविदा में निकाल रही है, आउटसोर्सिंग में निकाल रही है। संविदा आउटसोर्सिंग पे खुद सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने सवाल पूछा था कि आप बताइए कि इसमें आरक्षण के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से 14 जुलाई 2024 को पत्र लिखा गया था केशव मौर्य के द्वारा, अभी तक उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। उससे पहले अनुप्रिया पटेल भी लिख चुकी थी सर, थोड़ा सा याद आपको दिला। नहीं, वो तो सब लिखे हैं लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया गया। और 4 दिन पहले 9 तारीख वो जो लखीमपुर की खीरी की घटना हुई वो तो आपको पता ही क्या हुआ। विधायक जी को, ओबीसी वर्ग के विधायक योगेश वर्मा को वकील साहब ने, अवधेश सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया, मारपीट और मारा पीटा फूट दिया। उसके बाद 5 दिन बाद कार्रवाई होती है तो कार्रवाई सिर्फ ये होती कि उन लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाता, अवधेश सिंह और उनके 3 सहयोगी को, लेकिन अभी तक FIR की सूचना नहीं आती है। तो पिछड़ा समाज, कुर्मी समाज इसलिए नाराज है कि आपने ठीक उन लोगों को निकाल तो दिया लेकिन FIR नहीं लॉन्च हुई। उसके बाद लखनऊ में एक दलित युवक की रहस्यमय परिस्थितियों में पुलिस की हिरासत में मौत हो जाती, वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और बहराइच में घटना होती है, सुकुमार जी मैं कैसे कह रहा हूं कि एडवांटेज सपा हो गया है, बहराइच में जब थोड़ा धार्मिक विवाद फैलता है तो कई पत्रकारों को लगा कि अब तो ध्रुवीकरण हो रहा है, चुनाव में भाजपा को एडवांटेज मिल जाएगा। आज सुबह तक सब लोग यही चर्चा कर रहे थे लेकिन शाम होते होते वो मुद्दा भी पलट गया। कारण क्या हुआ सर? वो एक लिस्ट हुई थी वायरल, उसका अरे सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, जो बड़ा मुद्दा मैं बताने जा रहा हूं, जो अभी खबर ब्रेक कर रहा हूं, राम गोपाल मिश्रा हिंसक भीड़ के शिकार हुए, उनकी जान चली जाती है, योग पुलिस की लापरवाही से उनकी जान जाती है, तो उनके परिजनों को बुलाने के लिए बरेली वहां के बहराइच के विधायक सुरवेश्वर सिंह, जिसने अपने बेटे को खोया है, सोचिए जिसने अपने बेटे को खोया, उस बूढ़े बाप को, उस बूढ़ी माँ को, उस जवान पत्नी को जिसने अपने पति को खोया है, वो गाड़ी में बैठा के लेके चले आते हैं योगी जी से मिलवाने के लिए। देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है,
तब तक अचानक सोशल मीडिया पे एक पुरानी खबर शेयर कर देते हैं एक शुभम शुक्ला नाम के आदमी, और वो याद दिलाते हैं है? पत्रकार वो, उन्होंने जो जो तथ्य सामने लाए हैं वो हम सब भूल गए थे। याद करिए, राजस्थान में कन्हैया लाल की कट्टरपंथियों ने बड़ी निशंस हत्या की थी, अशोक गहलोत तब मुख्यमंत्री थे। जिस अशोक गहलोत को लोग बोलते हैं, कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं रहते हैं, निशंस हत्या हुई थी ना, अशोक गहलोत क्या किए थे, कन्हैया लाल के परिजनों से मिलने उनके घर गए थे और उनके दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी गई थी और 50 लाख रुपए की सहायता दी गई थी। यहां क्या हुआ है, सिर्फ 10 लाख का आश्वासन दिया गया है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना का घर की घोषणा की गई है, एक आयुष्मान कार्ड की घोषणा की गई है। आयुष्मान कार्ड तो वैसे मिल जाना चाहिए, क्योंकि दिखने से ही उनके माँ बाप बड़े गरीब लग रहे थे। और बड़ी बात देखिए, बड़ा बड़ा किसका हृदय कोमल है ये मेरे दर्शक डिसाइड करें, कौन हिंदुओं का बड़ा हित ऐसी है मेरे दर्शक डिसाइड करें। हिंदू धर्म में जब किसी की मौत हो जाती है तो हम शोक प्रकट करने उसके घर जाते हैं, न कि उसको लावा लश्कर के समेत, क्योंकि आप वैधानिक। मैं रोकूंगा 13 दिन तो हमारे यहाँ वैसे ही घर से बाहर नहीं जाते हैं, जो लोग सोचिए हो जाता है 13 दिन तो घर से वैसे ही बाहर नहीं निकलते हैं। और हम तो मैं तो दर्शकों से पूछ रहा हूं कि किसका हृदय कोमल है, कौन असली कर्मयोगी है। देखिए, अशोक गहलोत जी ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी और पिछड़े समाज का आदमी जीवन में बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ता है, वो आम आदमी का दर्द समझता है। उन्होंने माना कि कन्हैया लाल की हत्या में गलती हुई है, वो उनके घर गए, उनके बेटों से मिले, वहां जाके शोक प्रकट किया, उनका दुख समझा, दोनों बच्चों को नियमों में परिवर्तन करके सरकारी नौकरी दी। और यहाँ क्या होता है, भाजपा के विधायक पीड़ित परिवार को ही लेके मुख्यमंत्री के यहां पहुंच जाते हैं। अब जनता फैसला करे कि कौन कोमल है और कौन कसली कर्मयोगी है। दूसरी घटना, आजकल देखिए 24 घंटे राजनीति पहले भाजपा करती थी, अब विपक्ष उससे ज्यादा तेज हो गया है। यहां विकास नगर में लखनऊ में एक दलित युवक की, दलित पुलिस ने उसको जुआ खेलने के आरोप में पकड़ा, उसके पहले कोई अपराध उसके पास उसके उस लड़के के खिलाफ कोई अपराध नहीं था, और पुलिस की गाड़ी में उसको लादा है, रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। उस दलित के घर भी भाजपा का कोई मंत्री मुख्यमंत्री तक नहीं गया, ये सवाल उठाया सौम्य प्रसाद मौर्य ने। बाद में जब दबाव पड़ा, मायावती ने ट्वीट किया, चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, तो लखनऊ पुलिस ने अपने 3 पुलिसकर्मियों के ऊपर उस दलित युवक अमन गौतम की हत्या का मुकदमा दर्ज किया, वो भी गैर इरादतन। आप समझ रहे हैं, अब वो दलितों मिल्कीपुर कौन सी विधानसभा है, सुरक्षित विधानसभा है, बड़ी संख्या में दलित और ओबीसी ने क्या किया, 2024 में भाजपा का साथ छोड़ के वो सपा के साथ चले गए। तो जो हमारे साथी पत्रकार सुबह बता रहे थे कि चुनाव में ध्रुवीकरण हो गया है बहराइची घटना के बाद, भाजपा को फायदा मिल जाएगा, लेकिन शाम आते आते इन दो खबरों ने, और प्लस मिल्कीपुर में चुनाव आयोग द्वारा फिलहाल चुनाव न कराए जाने के फैसले के बाद ये साफ दिख गया, क्योंकि आम जनता ये मानती है जो भाजपा सरकार चाहती है चुनाव आयोग उनके दिशा निर्देश पे काम करता है, ये आम जनता के मन में बैठा हुआ। तो विपक्ष के नेता ने साफ ट्वीट कर दिया, जिसने जंग टाली है समझो उसने हार मानी है। इसलिए कह रहा हूं शिव कुमार जी कि चुनाव की घोषणा के साथ ही भाजपा इन 10 सीटों पे, अगर 10 में तो चुनाव होगा कि नहीं होगा, 9 पे तो घोषित हो गया, 9 में फिलहाल अगर गाजियाबाद की सीट निकाल दें तो मैं आंकड़े बता सकता हूं कि
कि विधानसभा चुनाव के अगर में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें विधानसभा वाइज देखें तो खैर सुरक्षित सीट वहां पे भी भाजपा को, भाजपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से 1000 वोटों से पीछे थी। मीरापुर में भी चंदन चौहान जीते जरूर थे बिजनौर से, लेकिन उस विधानसभा में वो पीछे थे। मिल्कीपुर में भी अवधेश प्रसाद को अच्छी खासी लीड मिली थी अयोध्या में। मैनपुरी की करहल में 50,000 से ज्यादा की लीड मिली थी डिंपल यादव को। चलते हैं अंबेडकर नगर कटहरी, वहां पे भी अच्छी खासी लीड मिली थी लालजी वर्मा को। मुरादाबाद की कुंदर की तो 65% वहां मुस्लिम, आप समझ ही जाइए कि भाजपा वहां कहां रही होगी। मुरादाबाद तो 50,000 वोटों से ज्यादा वोटों से भाजपा आ रही थी। फिर चलते हैं फूलपुर, फूलपुर विधानसभा में जरूर भाजपा को लीड थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में मझवा विधानसभा में कांटे की टक्कर थी। तो 2 या 3 सीटों में भाजपा कंफर्टेबल है, 6 में तो ऑलरेडी पिछड़ रही थी। 7वीं जो सीट है वो सीसामो की, वहां पे भी सपा को अच्छी लीड मिली थी। सपा के माफ कीजिए इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे मिश्रा जी, वो भाजपा के रमेश अवस्थी से उनको अच्छी खासी लीड मिली थी सीसामो में। और उसके बाद से 4 जून के बाद योगी सरकार की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस चुनाव में मंगेश यादव का इनकाउंटर भी एक बड़ा मुद्दा है। इस चुनाव में जिस बहराइच के दंगे के बाद भाजपाई पत्रकार समझ रहे थे कि अब चुनाव में ध्रुवीकरण हो जाएगा, अब ध्रुवीकरण होना इतना आसान नहीं है। जनता ने 2024 के चुनाव में धर्म के आधार पर वोटिंग करने से मना कर दिया, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो भाजपा तो राम मंदिर का मुद्दा बना के आई थी ना, जो राम को लाए हम उनको लाए हैं, समझिए। और मिल्कीपुर का चुनाव नहीं होने की घोषणा हुई और उसमें भाजपा की अपनी भद्द पिटी। आप मिल्कीपुर के नाम पर बड़ा मुस्करा रहे हैं। इसलिए मुस्करा रहा हूं साहब कि एक कॉमेडियन है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, बहुत अच्छे कॉमेडियन है। वो कहते हैं रात को जब मैं उठता हूं 2 बजे, अचानक मुझे याद आता है कि वो अयोध्या हार गए तो मैं हंसता रहता हूं। आप सोचिए कितने अहंकार में थे ये लोग। 400 सीटों की बात कर रहे थे, 80 में 80 की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, 77 तो आपके बहुत साथी लखनऊ के दे रहे थे। अरे सर, कोई सरकारी मकान के अकबर छोड़िए सर, कोई सरकारी मकान बचाने के लिए, सरकारी मकान के अलावा भी जो अब FIR में चर्चा में आए हैं वो भी 77 ही दे रहे थे। बहुत लोग थे, गारंटी दे रहे थे। तो सर बहुत लोग है, क्या करिएगा। तो सर मैं तो जमीन पे घूमा था ना, मैंने तो कह दिया था कि मामला बहुत कांटे का है। वीडियो पड़ा हुआ है चुनाव के, आलोक सर मेरे सारे वीडियोस पड़े हैं पुराने लोकसभा चुनाव के, जब मैंने सीट वाइज आकलन इन्हें बता दिया था तो लोगों को ये लगा कि आप तो बीजेपी की बुराई वाले काम करते हो, जबकि सच यही था जो मार्केट में दिख रहा था, हम तो वो बयां कर रहे थे। और सुनिए भाजपा में कैंडिडेट फाइनल ही नहीं है। योगी जी अपनी लिस्ट पेश किए हैं, केशव मौर्य अपनी लिस्ट दिए हैं, ब्रजेश पाठक अपनी लिस्ट दिए हैं 10 विधानसभा में, भूपेन्द्र चौधरी की अपनी लिस्ट है, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी की अपनी लिस्ट है। तो सोचिए, और तीन नामों की 27 नामों की एक अलग लिस्ट है। तो आप सोचिए ना कि भाजपा में है सर पठौल,
भाजपा में सरफटोल मची हुई है और यहाँ समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, बाकी 4 में उसने इसलिए घोषित किए हैं कि 2 वो कांग्रेस अगर बात बन जाती 2 सीटें कांग्रेस को दे देगी, बाकी 2 पे भी उसके प्रत्याशी तय हैं। इसलिए मैंने कहा इन चुनावों में फिलहाल समाजवादी पार्टी को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल चुकी है, जमीन पे मिल चुकी है। भाजपा के पास इन चुनाव इन 10 सीटों में से 4 सीटें उनके पास थी, एक तो खैर विधानसभा थी, एक विधानसभा गाजियाबाद जिले की थी, एक उनके पास फूलपुर थी और उसके अलावा मीरापुर सीट थी, मझवा सीट थी, मीरापुर भी उनके पास नहीं थी, मीरापुर आरएलडी के पास थी। तो भाजपा के पास चार सांसद बन गए समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के पास एक विधायक जो सजायाफ्ता होगा, एक सीट वो है, एक सीट आरएलडी के विधायक के कारण खाली हुई है और 4 विधायक बीजेपी के सांसद बन गए। इनमें अगर बात करें अलग अलग सीटों पे तो करहल अखिलेश यादव, कचहरी लालजी वर्मा, अयोध्या यानी मिल्कीपुर अवधेश प्रसाद और सीसामो इरफान सोलंकी थे, सीसामो इरफान सोलंकी एक और है सपा की सीट, ऐसे उनके पास कुंदर की मुरादाबाद की कुंदर की थी, हाँ कुंदर की का विधायक भी उनका सांसद हो गया, 5 सीटें। आरएलडी की मीरापुर है जहां आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में विधायक चंदन चौहान चुनाव जीते थे जिन्हें लोकसभा में आया गया और वो बिजनौर से सांसद हो गए, एक सीट वो खाली हो गई। अब वो सपा आरएलडी के गठबंधन की सीट है तो अब अगली सीट गाजियाबाद, जहां से गाजियाबाद से अतुल विधायक अतुल गर्ग विधायक वो सांसद हो गए, खैर से अनूप वाल्मीकि विधायक थे वो सांसद हो गए, मंत्री थे वो हाथरस सुरक्षित सीट से सांसद हो गए, प्रवीण पटेल जो फूलपुर से विधायक थे वो फूलपुर से सांसद हो गए, और मंझुआ से जो विधायक थे निषाद पार्टी के बिंद जी वो भदोही से सांसद हो गए। ऐसे 4 बीजेपी के, 4 समाजवादी पार्टी के, 1 आरएलडी का और 1 समाजवादी पार्टी के विधानसभा सदस्य को सजा हो गई है जो नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, उसमें एक निषाद पार्टी का भी तो है, नहीं निषाद बीजेपी के सांसद हो गए तो वो टिकट देंगे कि नहीं, संजय निषाद रूठे रूठे घूम रहे हैं, नहीं इसमें तो अभी खबर में आपको भी चूंकि खबर अभी एक और उस पर अलग से चर्चा करूंगा, अलग से नहीं दिल्ली में चर्चा है वो सुन लीजिए, दिल्ली में चर्चा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में चाल चल दी है, योगी के एक सहयोगी दल को नाराज कर दिया है, टिकट देने से मना कर दिया, योगी जी कैसे संभालेंगे अपना, नहीं योगी के एक सहयोगी दल नहीं, दो दो पार्टियां गठबंधन छोड़ने को तैयार है, उसपे मैं अलग से हम और आप बैठेंगे, राजभर जी तो नहीं है, वो दोनों गंभीर साथी हैं, इसलिए मैं बाद में चर्चा करूंगा उसको भी थोड़ा, कल दिन में हम दर्शकों को बता देंगे चूंकि उपचुनाव का मामला है ये गंभीर बातचीत का, हम दिन में दर्शकों को बता देंगे, कोई भी बात अपने पेट में रख के नहीं बैठेंगे क्योंकि हम आपके लिए काम करते हैं और आपको वो सब अंदर की खबरें आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज तो अब मिल्कीपुर उपचुनाव ना करा के आलोक सर बीजेपी ने नुकसान मोल लिया है, सिर्फ मिल्कीपुर नहीं जो हाल की घटनाएं हुई हैं इन चुनाव में, देखिए ओबीसी और दलित आपसे नाराज था और ओबीसी और दलित की नाराजगी मुझे नहीं दिख रहा है जमीन पे, क्यों पिछले 4 जून से लेकर आज हम 15 अक्टूबर तक बैठे हैं वो नाराजगी बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल इन चुनाव में 10 सीटों पे 9 पे चुनाव की घोषणा हो गई है, इन 9 सीटों पे भी भाजपा पीछे दिख रही है, सपा 6 सीटों पे लीड लेती दिखाई दे रही है। चलिए अब हम इसे लॉक कर देते हैं कि 6 सीटों पर सपा बढ़त में दिख रही है, 9 में से 6
मिल्कीपुर तो मिल्कीपुर में तो सपा की जीत का मैं के लिए मैं पूरी तरह से आशावान हूं, तो 10 में से 7 मानिए आप। चलिए इसी बात पर हम ये लॉक करते हैं, और चूंकि समय हो समय दर्शकों के समक्ष जल्दी से खबर दी जाए, 7 बजने वाले हैं कुछ ही पलों में, और दर्शकों के समक्ष ये वीडियो पहुंचे तो वो बाग बाग हो जाए। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा, सादर नमस्कार, और दर्शकों का भी आभार व्यक्त करूंगा, जरूर देखें और समझें।